What is up guys, my name is Thru and welcome to my channel। आप में से कई सारे लोग बोट के ईयरबड्स को यूज़ करते होंगे एंड आप सबको पता है बोट के ईयरबड्स की साउंड क्वालिटी एंड परफॉर्मेंस बहुत ही सुपर होता है। बोट रेगुलरली अपने न्यू ईयरबड्स को लॉन्च करता रहता है। ऐसे और एक न्यू ईयरबड्स हमारे पास आ चुका है जिसका नाम है बोट एयरबड्स 192। ये बोट का लेटेस्ट लॉन्च ईयरबड्स है। यहाँ पे को ईयरबड्स में 13mm के गेमिंग ग्रेड ड्राइवर्स, ब्लूटूथ 5.3, एनवायरमेंटल नॉइस कैंसेस है। जैसे आपको सारे लेटेस्ट फीचर्स मिलने वाले एंड प्राइस बहुत ही अफोर्डेबल है। आप सबके लिए प्राइस सरप्राइज है। अगर आपको वीडियो को देखने के बाद इस ईयरबड्स को परचेस करना है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप सीधा परचेस कर सकते हो। आज वीडियो में ईयरबड्स का पूरा अनबॉक्सिंग एंड रिव्यू करने वाले एंड सारे फीचर्स को वन बाय वन टेस्ट करने वाले। सो आप वीडियो को पूरा देख लेना, वीडियो को यूजफुल लगे, इन्फॉर्मेटिव लगे तो वीडियो को आप लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन भी प्रेस कर लेना। प्लीज तो मैं जब भी वीडियो अपलोड करूँ आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। और गाइस ये हमारे ईयरबड्स का बॉक्स है। यहाँ पे को फ्रंट साइड में बोट की ब्रांडिंग एंड मॉडल नेम मिल जाएगा। यहाँ पे को सारे हाईलाइटिंग फीचर के बारे में इन्फॉर्मेशन मिलती है। बैक साइड में सारे को डिटेल इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। सो नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं अनबॉक्सिंग, देखते हैं क्या क्या मिलता है। बॉक्स ओपन करके सबसे पहले मिल जाएगा थोड़े बहुत आपको डॉक्यूमेंट्स मिलने वाले हैं। यहाँ पे आपको मिलता है एक कार्ड, यहाँ पे आपको मैनुअल मिलने वाला है। नेक्स्ट आपको एक प्रोडक्ट कैटलॉग मिलने वाला है। यहाँ पे आपको वारंटी कार्ड मिलने वाला है। यहाँ पे आपको ईयरबड्स में एक साल के लिए वारंटी मिल जाएगी। उससे आपको और एक बॉक्स मिलने वाला है, इसको हम बाहर निकालते हैं। यहाँ पे आपको मिल जाएगा टाइप सी चार्जिंग केबल आपके चार्जिंग केस को चार्ज करने के लिए। और नेक्स्ट आपको मिलता है एक्स्ट्रा ईयर टिप्स स्मॉल मीडियम लार्ज साइज का, जिसको बहुत ही जल्दी आप चेंज कर सकते हो। और ये हमारा मेन प्रोडक्ट बोट एयरबड्स 192 ईयरबड्स। और गए सबसे पहले हम बात करते हैं ईयरबड्स के डिजाइन एंड बिल्ड क्वालिटी के बारे में। यहाँ पे आप देख सकते हो डिजाइन आपको बहुत ही सुपर मिलती है। चार्जिंग केस का वेट ओनली 47 ग्राम है, जो बहुत ही लाइट वेट है। चार्जिंग केस की डिजाइन भी आपको बहुत ही कॉम्पैक्ट मिलती है। यहाँ पे आप देख सकते हो सब चार्जिंग केस को बहुत ही ईजिली बैग या पॉकेट में कैरी कर सकते हो। एंड जैसे आप चार्जिंग केस को ओपन करते हो ईयरबड्स की रेड लाइट्स ऑन हो जाएगी, जो को बहुत ही सुपर लुक प्रोवाइड करती है। लुक एंड फील पूरा को गेमिंग वाला मिलने वाला है। यहाँ पे डिजाइन आपको बहुत ही आई कैची मिलने वाली है। अगर हम बात करें मटेरियल क्वालिटी के बारे में, वह काफ़ी अच्छी क्वालिटी वाला प्लास्टिक मटेरियल आपको मिलने वाला है। इंच आपको बहुत ही स्टेडी एंड स्ट्रॉन्ग मिलता है, प्लस आपको मैगनेट्स बहुत ही स्ट्रॉन्ग मिलते हैं। आप इतना भी शेक को लगता है ईयरबड्स चार्जिंग से बाहर नहीं आएगा। और ईयरबड्स की फ्रंट साइड में बोट की ब्रांडिंग मिलती है। यहाँ पे आपको दोनों साइड में एंड ऊपर की साइड में आपको रेड लाइट्स मिलने वाली है। आपको पीछे की साइड में टाइप सी पोर्ट मिलता है चार्जिंग केस को चार्ज करने के लिए। और आपको ईयरबड्स को चार्जिंग केस के अंदर प्लेस करने के लिए आपको मैग्नेट्स मिल जाएंगे एंड चार्जिंग केस को ओपन एंड क्लोज करने के लिए आपको मैग्नेटिक लॉक मिल जाएगा। प्लस आपको ईयरबड्स में IPX4 वाटरप्रूफ रेटिंग मिलता है। सो ईयरबड्स को आउटडोर कंडीशन में थोड़ी बहुत बारिश के अंदर यूज कर सकते हो। अगर आपको जिम के टाइम स्वेटिंग होता है तो भी आपका ईयरबड्स खराब नहीं होगा। एंड गाइस साथ में हम बात करते हैं ईयरबड्स के डिजाइन के बारे में। मैंने ईयरबड्स को कई बार यूज किया, रनिंग के साथ ट्राई किया, मैंने इसको जिम में यूज किया, मुझे काफी अच्छा फिटिंग मिला है। अब कितना भी शेक आपका ईयरबड्स कान में से बाहर आएगा, बहुत ही कंफर्टेबल एंड सिक्योर फिट मिलता है। यहाँ पे लुक भी चेकआउट कर सकते हो, लुक आपको बहुत ही सुपर मिलने वाला है। यहाँ पे दोस्त अंदर चेक कर सकते हो, लुक काफी अच्छा है एंड ईयरबड्स बहुत ही लाइट वेट है। सब ईयरबड्स को आराम से लॉन्ग टाइम तक यूज कर सकते हो। और ईयरबड्स के ऊपर आपको इंडिकेटर लाइट एंड टच कंट्रोल मिल जाएगी। सो गाइस अभी हम ईयरबड्स को हमारे फोन के साथ कनेक्ट करते हैं। यहाँ पे को ईयरबड्स में कनेक्टिविटी के लिए ब्लूटूथ 5.3 एंड इंस्टेंट वेकेंट पैड टेक्नोलॉजी मिलने वाली है। सो फर्स्ट टाइम ईयरबड्स को फोन के साथ कनेक्ट करने के सिंपली आपको चार्जिंग केस को ओपन करना है और आपका ईयरबड्स पेयरिंग मोड में आ जाएगा। नेक्स्ट आपको अपने फोन का ब्लूटूथ ऑन कर देना है और आपको पेयर डिवाइस के ऊपर क्लिक करना है। यहाँ पे हमारा ईयरबड्स आ जाएगा, देखो आ चुका है एयरबड्स 192। सिंपली आपको क्लिक करना है। नेक्स्ट आपको अलग होकर पैर के ऊपर क्लिक कर देना है। बहुत ही फास्ट ईयरबड्स फोन के साथ कनेक्ट हो जाएगा। देखो अभी कनेक्ट हो चुका है। यहाँ पे 100% बैटरी शो कर रहा है। मैं नेक्स्ट में सेटिंग्स के ऊपर क्लिक करता हूँ। यहाँ पे आपको HD ऑडियो डबल AC का सपोर्ट मिलता है, जिससे को इम्प्रूव साउंड क्वालिटी मिल जाएगी। और जैसे आप चार्जिंग केस को क्लोज करते हो डिस्कनेक्ट हो जाएगा, देखो डिस्कनेक्ट हो चुका है। जैसे वापस ओपन करते हो चार्जिंग केस को फिर से कनेक्ट हो जाएगा, देखो कनेक्ट हो चुका है। सो बहुत ही फास्ट आप कनेक्ट एंड डिस्कनेक्ट कर सकते हो। और यहाँ पे आपको और एक फीचर मिलने वाला है जिसका नाम है मोनो मोड, जिससे आप एक ईयरबड्स को चार्जिंग केस के अंदर प्लेस करके इस तरह से आप ओनली आप सिंगल ईयरबड्स को यूज कर सकते हो, तो फिर काफी यूजफुल फीचर बन जाएगा। एंड ईयरबड्स की बैटरी कैपेसिटी बहुत ही सुपर है। यहाँ पे चार्जिंग केस में 300mAh की बैटरी मिलती है। मैंने चेक किया इस ईयरबड्स को फुल चार्ज करने के लिए मिनिमम आपको 1 से 1.5 घंटे का टाइम लग जाएगा। और एक बार चार्जिंग केस फुली चार्ज होगा यहाँ पे दोनों ईयरबड्स को अप्रोक्सीमेटली 3 बार फुली चार्ज कर सकता है। और एक बार आपका ईयरबड्स फुली चार्ज हो गया, ईयरबड्स आपको मैक्सिमम 10 घंटे का म्यूजिक प्ले टाइम प्रोवाइड करता है। सबको इस से टोटली आपको 30 आवर्स का लॉन्ग बैटरी लाइफ मिल जाएगा, जो इस प्राइस पॉइंट में सबसे बेस्ट बैटरी लाइफ है। सबको ईयरबड्स में बैटरी लाइफ के लिए कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। और आपको इस ईयरबड्स में डेडिकेटेड गेमिंग मोड मिलने वाला है। मैंने इस ईयरबड्स को गेमिंग के साथ कई बार ट्राई किया है एंड मैक्स बहुत ही अच्छा रहा है। सो नेक्स्ट टाइम
इस ईयरबड्स का लाइव गेमिंग टेस्ट करने वाले हैं। यहाँ पे आप राइट वाले ईयरबड्स के ऊपर आप लॉन्ग कर सकते हैं इस तरह से 1, 2, 3। आप अपने ईयरबड्स का गेमिंग मोड ऑन कर सकते हो। अब इसका गेमिंग मोड ऑन हो चुका है, अब इसका हम लाइव गेमिंग टेस्ट करने वाले हैं। सो मैं अपने ईयरबड्स को माइक के बहुत ही पास रखता हूँ इस तरह से, यहाँ पे आप लाइव गेम परफॉर्मेंस को आप टेस्ट कर पाओगे। सो नेक्स्ट में स्टार्ट करते हैं गेम खेलना, यहाँ पे शूट करता हूँ, यहाँ पे आप चेक कर पाओगे बहुत ही कम आपको साउंड लेवल तक मैं जूम करता हूँ, यहाँ पे आप सुन सकते हो साउंड लेवल आपको बहुत ही कम मिल जाएगा। मैं गन चेंज करता हूँ, यहाँ पे को इस ईयरबड्स में 40 मिली सेकंड आपको लो लेटेंसी मिलने वाले जो बहुत ही कम होती है, बहुत ही कम आपको साउंड लेवल फील होगा, यहाँ पे कुछ चेक कर पाओगे। और आपको इस ईयरबड्स में गन शॉट एंड फुल स्टेप आपको प्रॉपर डिस्टेंस को मिलने वाला है, इससे आपका गेमिंग एक्सपीरियंस बहुत ही इंप्रूव हो जाएगा। सो आप इस ईयरबड्स को गेमिंग के लिए 100% परचेज कर सकते हो। और गाइस नेक्स्ट अभी हम बात करते हैं मीडिया कंट्रोल के बारे में। यहाँ पे पूरा आपको टच कंट्रोल मिलने वाला है, सिंपली आप दोनों में से किसी एक ईयरबड्स के ऊपर आप टैप करके सॉन्ग को स्टॉप कर सकते हो। देखो स्टॉप हो जाएगा, फिर से टैप करके सॉन्ग को स्टार्ट कर सकते हो, देखो स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ पे आप राइट वाले ईयरबड्स के ऊपर आप डबल टैप करके नेक्स्ट सॉन्ग में जा सकते हो, 1, 2 आपका नेक्स्ट सॉन्ग आ जाएगा इस तरह से। यहाँ पे आप लेफ्ट वाले ईयरबड्स के ऊपर आप डबल टैप करके प्रीवियस सॉन्ग में आ सकते हो, 1, 2 आपका प्रीवियस सॉन्ग आ जाएगा इस तरह से। और आपको ईयरबड्स में और एक फीचर मिलने वाला है, सिंपली आप लेफ्ट वाले ईयरबड्स के ऊपर आप 3 सेकंड तक आप लॉन्ग प्रेस करके इस तरह से 1, 2 एंड 3 आप अपने फोन के सीरी एंड गूगल वॉइस आसन को एक्सेस कर सकते हो। देखो यहाँ पे ओपन हो जाएगा, सो काफ़ी इजी आपको मीडिया कंट्रोल मिल जाएगी। और आपको ईयरबड्स में कॉलिंग के लिए भी कंट्रोल मिलता है, सिंपली आप टैप करके इस तरह से कॉल को पिकअप कर सकते हो, देखो पिकअप हो जाएगा। और यहाँ पे आप डबल टैप करके कॉल को कट कर सकते हो, 1, 2 आपका कॉल कट हो जाएगा, सो बहुत इजीली आप कॉलिंग कर पाओगे। अभी हम बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट है ईयरबड्स के साउंड क्वालिटी के बारे में। यहाँ पे को ईयरबड्स में 13mm के गेमिंग ग्रेड ड्राइवर्स मिलने वाले जो को बहुत ही हाई क्वालिटी एंड क्रिस्टल क्लियर साउंड डिलीवर करते हैं। मैंने इसको हॉट एक्सपोजर के साथ ट्राई किया, मेक स्पेस काफ़ी अच्छा रहा, गेमिंग साउंड क्वालिटी काफ़ी अच्छी है, बहुत ही को डिटेल साउंड आपको मिलने वाला है जिससे गेमिंग एक्सपीरियंस आपका इंप्रूव हो जाएगा। साथ में वॉल्यूम काफ़ी आपको हाई मिलता है, इंस्ट्रूमेंटल एंड वोकल्स आपको क्लियर मिल जाएंगे। यहाँ पे को ईयरबड्स में लो मिड्स एंड हाइस आपको प्रॉपर मिलने वाले। साथ में बात करते हैं बेस के बारे में, बेस परफॉर्मेंस बहुत ही सुपर, बहुत ही डीप एंड बैलेंस बेस मिलता है। यहाँ पे को गेमिंग टाइम में काफ़ी अच्छा को बेस एंड थंब मिलने वाला है, इससे आपको बेस के लिए कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। सो यहाँ पे को ओवरऑल इस ईयरबड्स में 9.5 out of 10 साउंड क्वालिटी मिल जाएगी। एडिशनली आपको ईयरबड्स में एनवायरमेंटल नॉइस कैंसिलेशन मिलने वाला है, प्लस आपको 4 माइक्स मिलने वाला है जिससे आप डिस्टेंस पे कॉलिंग कर सकते हो। इनफैक्ट अभी जो ऑडियो रिकॉर्ड हो रहा है इस ईयरबड्स के माइक से हो रहा है, सो यहाँ पे पता चल जाएगा कैसे आपको ऑडियो क्वालिटी मिलती है जब भी आप कॉलिंग करते हो। कॉलिंग क्वालिटी काफी अच्छी है, मैंने कॉलिंग के साथ ट्राई किया, मेक स्पेस काफी अच्छा रहा है। सो अभी इस ईयरबड्स को कॉलिंग, म्यूजिक एंड गेमिंग तीनों पर्पस के लिए परचेस कर सकते हो। सो गाइस अभी आपको ईयरबड्स के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन मिल चुकी है। अगर आपको न्यू ईयरबड्स परचेस करना है इसको आप 100% परचेस कर सकते हो। साउंड क्वालिटी बहुत ही सुपर है, गेमिंग एक्सपीरियंस काफी अच्छा है, कॉलिंग आप आराम से कर सकते हो, सारे को लेटेस्ट फीचर्स मिलने वाले हैं। यहाँ पे आपको वेलफोन में आपको ईयरबड्स मिलने वाला है, सो आपको परचेस करना है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से सीधा परचेस कर सकते हो। और मैं अपने चैनल पर इस टाइप के वीडियोज को अपलोड करता रहता हूँ। अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगाओ, इन्फॉर्मेटिव लगाओ तो वीडियो को आप लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और हम सब्सक्राइब कर लेते हैं वीडियो में।